कहने देंगे फिर मुझे। ओहो बगल पकने वाले हैं, कुछ ही दिनों बाद ये पक जाएंगी फलियां। आप देख सकते हैं इनके। प्रणाम पहला दोस्तों, मैं हूँ ताजवीर सिंह और आप देख रहे हैं हिमवल वाणी। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ पे सोना रोड पे, अभी 15 सेक्टर के बंद पे चल रहा हूँ। मेरे पीछे ग्रीनरी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है ये। और यहाँ पे पैदल चल के अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी अब तो नॉर्मली अब गर्मी होने लग गई, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मियों में भीड़ रहती है, देख सकते हैं आप। काफ़ी खूबसूरत बन रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सी जगह है और काफ़ी अच्छा मेंटेन करके एमसीजी वालों ने रखा हुआ है। आप चारों तरफ देखेंगे तो इस साइड भी आपको पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे टहले अपना टाइम स्पेंड करने आ सकते हैं आप। बहुत अच्छी लोकेशन है, काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ और इतना अच्छा बैठने के लिए जगह जगह पर सीटिंग भी बना रखे हैं, तो इतना अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप यहाँ पर। और सर्दियों में भी थोड़ा सा बैठने के लिए धूप के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छांव रहती थी। गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पे छांव रहती है, जैसे गर्मी का टाइम आ रहा है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगेगा आपको बैठने में। काफ़ी अच्छा वीकेंड पे आप स्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम अपना, जैसे आप अकेले रहते हैं तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ बच्चों के साथ थोड़ी देर टहलने के लिए आ सकते हैं। ये है पूरा बन, ये है राजीव चौक का मेन हाईवे। तो अभी हम राजीव चौक पहुंच चुके हैं, ये है राजीव चौक और यहाँ से अब ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो से जाएंगे। अभी आज काफ़ी सन्नाटा सा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे आज, यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा सा है, काफ़ी बहुत कम भीड़ है। ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है बाकी। अभी मैं दोस्त के घर के छत पे हूँ, सोना रोड पे आया हुआ हूँ दोस्त के घर, और यहाँ का व्यू देखिए। अभी हम वहाँ जाने वाले हैं जो आपको ग्रीनरी दिख रही है। अरे हम आज बहुत खतरनाक जगह जा रहे हैं, मैं अभी इनके साथ जा रहा हूँ। ये देखो गेहूँ के खेत, आज हम गेहूँ के खेतों में आए। नहीं आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि गुड़गांव में भी आपको ऐसी जगह घूमने को मिल जाएगी, ऐसी हरियाली मिलेगी, ऐसे हरे भरे खेत मिलेंगे। और कितना अच्छा देखो आज मौसम भी एकदम बिल्कुल, सनसेट का टाइम हो रहा है और यहाँ पे प्याज लगाया हुआ। यहाँ पर हम आए तो सब्जी खरीदने पर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास लिटरली पैसे हैं नहीं। इधर गोभी, इधर से रास्ता, ये देखिए यहाँ पे आपको प्याज इतना बढ़िया सब लगा रखा है, इतने बड़े बड़े खेतों में प्याज लगा हुआ है। और पीछे सनसेट देखिए, कितना बढ़िया खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। तो ऐसा माहौल होता है गांव के एरिए में जहाँ पे आप रहते हैं, अगर ऐसी जगह पे तो आपको प्योर ऑर्गेनिक सब्जी भी यहाँ से मिल जाएगी, आपको केमिकल वाली सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली, इधर से रास्ता हम यहाँ से जा रहे हैं। खेत खेत देखिए इधर, बढ़िया बढ़िया सरसों के खेत यहाँ से हम, इन पर सरसों लगभग लग पकने वाले हैं, कुछ ही दिनों बाद ये पक जाएंगी फलियाँ। आप देख सकते हैं इनके नर ये बीज बढ़िया हो रहा है। जी भैया बिल्कुल सही बात कही आपने, एकदम यहाँ पे हम आके एकदम मतलब फ्रेश ऐसे हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग अपनी बोरिंग लाइफ से। अरे गुड़गांव में है ऐसी जगह, बिलीव नहीं करेंगे पर है। आपको ऐसा लगेगा हम पंजाब के खेतों में पहुंच गए, सरसों के खेतों में पंजाब पहुंच गए। ओहो है ना, अपने दर्शकों भी हम बताना चाहेंगे। ये ना ये पू है ना,
खराब नहीं होगी ना, बीजा बने छोड़े वाले। अरे वो देखियो बैंगनी कलर है, शाबाश। अब दिखाएंगे आपको गांव का कुछ नज़ारे और काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे एक झील भी है, ये झील के भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। अरे बतख भी नहीं है, अजी पैन ही है जबरदस्त छोड़ी पैन। ये पकड़ेगा एक एक करके छोटी छोटी मछलियों को। निशान लगा रखा है। अरे आजकल भी खेलते हैं क्या लोग? तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।